डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है रोशनी और स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं अभी जा रही हूँ खेत में और हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। सूबी को अभी पापा जी को पकड़ा दिया, आज तो सोई नहीं बस सुबह से। तो अभी मैं खेत में जा रही हूँ और फिलहाल मम्मी ने घास निकाला हुआ है, बस उसको लेके आना है और उसके बाद काम वाले भेल हो गए, खाना वगैरह बनाना है जल्दी। तो अभी फटाफट से खेत में चलते हैं और ये वाला खेत हमारे घर से काफ़ी ऊपर है, तो अभी मैं आधे रास्ते तक तो आ गई हूँ। और ये सामने है मेरी छोटे वाले साजी लोगों का घर, यहीं से होके जाना है मुझे खेत में। और टोनी को देखो ज़रा, घर पर टिकता ही नहीं है भाई, ये यहीं पड़ा रहता है। हेलो ए ओ चलो हो गया चलो चलो, अरे गिराएगा मुझे। तो इधर खेत में मम्मी गुड़ाई कर रहे, इधर से आगे दो खेत है हमारे और इधर ये है मंडवा। इधर मंडवा बोया हुआ है मतलब कोदा, आजकल कोदे की गुड़ाई स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि बरसात स्टार्ट हो चुकी है। तो अब धीरे धीरे सब ने मंडवे की गुड़ाई स्टार्ट कर दी है और हमने भी कर दी आजकल में। तो मैं आ चुकी हूँ घास लेके वापस घर, अभी रास्ते में ही हूँ और मम्मी खेत से शायद थोड़ा सा जंगल जाएंगे मिट्टी लेने के लिए। तो हमारे यहाँ जो अंदर कमरे की लिपाई करने के लिए मिट्टी होती है वो जंगल से लानी पड़ती है, मतलब मिट्टी तो घर पे सब जगह रहती है बट वो लिपाई वाली अलग से ही होती है, तो वो जंगल में मिलती है। तो मम्मी उसको लेने जा रहे हैं अभी और मैं घास लेके घर जा रही हूँ। 11:15 हो चुके हैं और अभी मुझे फिर लंच वगैरह बनाना है जल्दी, तो अभी हम चलते हैं घर। मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और अब लंच बनाने की बारी है। तो अभी मैं पॉली हाउस से थोड़ी सब्ज़ी ले आई हूँ, सावती की सब्ज़ी और कुछ टमाटर भी, हरे टमाटर और कुछ और सब्ज़ी निकाल ली मुझे। तो मैं थोड़ा सा खेत में भी आ गई हूँ क्योंकि अंदर की जो राई वगैरह थी वो हमने सारी निकाल दी क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए थे उस पर, तो उसको फेंक दिया। तो अभी थोड़ी सी बाहर है सब्ज़ी और ये सावती है कुछ, तो फिलहाल इससे काम चल जाएगा। तो अभी यहाँ से निकालते हैं। खेतों में आजकल इस टाइप की सब्ज़ी होती है, इसको हम भित्तू बोलते हैं। तो इसकी सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी होती है और ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक ही होता है स्वास्थ्य के लिए। तो अभी इसके ये वाले पत्ते निकालते हैं ऊपर करके। और कुछ दिन पहले हमने इस पर मक्का बोई हुई थी, तो मक्का भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। तो अभी शाम हो चुकी है और शाम के 5 बज रहे हैं और मैं घर से निकल चुकी हूँ फापन जाने के लिए, क्योंकि मुझे फापन जाने की, जो हमारा मेन गांव है, वहाँ पे कुछ काम है, कुछ सामान वगैरह लेना है दुकान से और मार्केट जाने का तो बिल्कुल टाइम था नहीं, तो अब फिलहाल वहीं से लेंगे दुकान से छोटा मोटा सामान। तो अभी मैं जा रही हूँ फापन में और घर से तो काफ़ी दूर आ गई हूँ मैं, जो स्टेडियम वाली रोड है हमारे इधर की उससे काफ़ी नीचे आ गई हूँ। और आजकल तो रोड के और बुरे हाल हो गए हैं, बारिश की वजह से पूरी मिट्टी बह गई है और पूरे पत्थर ही पत्थर हो रखे हैं पूरे रास्ते में।
और पिछले 2-3 दिन से इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, बहुत ठंड बढ़ गई थी, लेकिन आज एक ही दिन पूरे दिन धूप हुई, बिल्कुल बारिश नहीं हुई, और बहुत तेज वाली धूप हुई आज, और गर्मी से हालत खराब हो गई। अभी तो बादल लगे हुए हैं, वरना अभी भी बहुत तेज धूप आ रही थी शाम के 5 बजे भी। तब मैं रोड में पहुंचने वाली हूँ, और रोड से भी काफी आगे जाना है मुझे गांव की तरफ। और अभी धूप छुप गई है इस बादल के पीछे, तो अभी थोड़ी सी कम लग रही है धूप, और नीचे गांव में पड़ रही है बिल्कुल इस टाइप से, देखो जैसे फिल्टर लगा हुआ होगा ऐसा लग रहा है। और मुझे जाना है अभी इस रोड पे आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे हमारा गांव लगभग आधा किलोमीटर दूर, और हमारे गांव के नीचे है पाली गांव, और उधर भी आजकल रोड का काम चल रहा है, तो आजकल गांव के आसपास काफ़ी जगह रोड जा रही है, बस हमारे यहाँ ही नहीं जा रही रोड, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं हूँ देवीधार में, जो कि हमारे घर से दिखती है, और ये ऊपर दिख रहा है हमारा मोहल्ला, ऐसे बिखरे बिखरे घर हैं, और हमारा घर तो दिख ही नहीं रहा, इस वाली धार के पीछे छुप गया। तो मैं सामान लेके आ चुकी हूँ वापस, और अभी फिर से वापस भयंकर ही धूप हो गई है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं छाया वाले एरिया में। तो मैं आ गई हूँ घर पे वापस, और गोलू भी आ रखा है तुम्हारे यहाँ, रूही यहाँ पे सो रखी है, मतलब उठी हुई है। Ha 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 ha!